लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। महाराष्ट्र में बिजली संकट और भी गहरा सकता है। दिनों दिन बढ़ती जा रही लोड शेडिंग और बिजली कटौती इसका बड़ा संकेत देती है। बीजेपी नेता विजय घाटे का मानना है कि जिस तरह महाविकास आघाड़ी सरकार का घटिया व्यवस्थापन है, उससे राज्य में बिजली संकट का गहराना तय है। विजय घाटे ने कहा कि इसका सबसे ज्यादा असर कृषि और किसानों पर होगा और ऐसे इलाकों में भी बत्ती गुल हो सकती है जहां से राज्य सरकार को कम रिवेन्यू मिलता है। तो सवाल यह है कि क्या आने वाली दिवाली और क्रिसमस त्योहार अंधेरे में मनाए जाएंगे? देखिए रिपोर्ट। कुछ में दो दिन का ही कोल बाकी था, लेकिन उसके बाद कल ही कैबिनेट थी, उसमें हमारे एनर्जी मिनिस्टर मिस्टर डॉक्टर नितिन राउत जी ने बताया कि अभी वो सिचुएशन दूर हो गई है, अपने पास स्टॉक है, अभी डरने की कोई जरूरत नहीं। डिप्टी सीएम अजीत पवार जिस वक्त नई मुंबई में यह दावा कर रहे थे कि महाराष्ट्र में बिजली संकट नहीं है, उसी दौरान नई मुंबई समेत राज्य के कई हिस्सों और औद्योगिक इलाकों में घंटों तक बिजली गुल थी। यह सिलसिला आज भी जारी है। हर दिन शहरी और औद्योगिक इलाकों में बिना बोले लोड शेडिंग और बिजली कटौती हो रही है। बीजेपी नेता विजय घाटे ने इसके लिए महाविकास आघाड़ी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के घटिया नियोजन के कारण ही बिजली उत्पादन और व्यवस्थापन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरह से उदासीन है, उससे आने वाले समय में बिजली संकट और भी गहरा सकता है। कोई भी मिनिस्टर का आप स्टेटमेंट ले लीजिए, वो कहते हैं कि बिजली थोड़ा संभल के यूज कीजिए, यानी मेरे घर में अनाज बहुत पड़ा हुआ है, मैं बहुत खाना खिला सकता हूँ, लेकिन आप थोड़ा कम खाइए। ये भाषा का जो मतलब होता है, ये राजनीति भरा होता है। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ राजनीति चल रही है, सरकार चल नहीं रही है, सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपने क्यों ये सेंटर स्टेटमेंट देना है कि भाई संभाल के बिजली वापरो करके? कौन ना खुल के कि बिजली वापरो करके, हम लोग देखेंगे करके, हम सरकार चला रहे हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं करके, ये कहने के लिए क्यों नहीं? क्योंकि मिसमैनेजमेंट इनकी हो चुकी है, ये इनको पता है। और हुआ क्या है, महाराष्ट्र के कैबिनेट में हर एक आदमी चीफ मिनिस्टर है, यही एक बड़ा दुर्दैव है। अगर ऊर्जा मंत्री कोई स्टेटमेंट दे देता है कि हम लोग एक महीना का माफ़ कर देंगे, तो बाकी के दो लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं माफ़ करने वाले, वो वसूली के लिए लगो। इस तरीके से इनके अपनी कॉन्ट्राडिक्शन इतनी चल रही है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई आपकी कॉन्ट्राडिक्शन आपके पर जगह रखिए, जनता को सेवा दीजिए, जनता को बिजली का भरोसा दीजिए। बताना जरूरी है कि बिजली की सबसे अधिक जरूरत औद्योगिक क्षेत्रों और किसानों के लिए होती है। ऐसे इलाकों में भी बत्ती गुल हो सकती है जहां से राज्य सरकार को कम रिवेन्यू मिलता है। जाहिर है, यदि ऐसे इलाकों में बिजली कटौती होती है तो रोजगार और किसान दोनों बुरी तरह प्रभावित होंगे। बीजेपी नेता विजय घाटे ने कहा कि अगर सरकार ने तत्काल ध्यान नहीं दिया तो वह दिन दूर नहीं जब दिवाली और क्रिसमस जैसे बड़े त्योहारों को अंधेरे में ही मनाना पड़ सकता है। पहले लोड शेडिंग अगर करना पड़ा तो खेती के लिए लोड शेडिंग करेंगे, और ये बड़ा ही डेंजरस मामला है महाराष्ट्र के लिए। तो ये लोग अपना दशहरा मेलावा, फलाना मेलावा, ढिकाना मेलावा, इसमें लगे हुए, ये दुर्दैव की बात है। ये सरकार को मैं आगाह करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि भाई आप राजनीति छोड़ दीजिए, आप रोज दामाद के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना छोड़ दीजिए। आने वाले समय में महाराष्ट्र की जनता इस प्रकार का मिसमैनेजमेंट बर्दाश्त नहीं करेगी, और यही अगर हालत रहा और यही मिसमैनेजमेंट अगर रही तो लोगों को अंधेरे में त्यौहार मनाने की मुसीबत आ सकती है करके सरकार ने सारे काम छोड़ के सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सीरियसली काम करना चाहिए, नहीं तो महाराष्ट्र की हालत खस्ता होगी बिजली के बारे में, और महाराष्ट्र को अंधेरे में रहना पड़ेगा, यही मैं आगाह करना चाहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।